नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मेरठ के सपा नेता पवन गुर्जर ने कहा है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार का बोलबाला। उद्घाटन से पहले ही सड़क में गड्ढे व साइड की मिट्टी कटकर किसानों की खेती का पूरी तरह नुकसान कर रही है, जिसके कारण कोई भी बड़ा हादसा होने की संभावना है। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। किसानों की जो जमीन सर्विस रोड में ली है, आज तक उसका भी भुगतान नहीं किया गया। ये सरकार पूरी तरह किसान विरोधी है। नाम यासीन है जी, मेरी जमीन यहाँ पे ADMLA साहब आए थे सुल्तान जी, उस टाइम पे ये कह दिया था, आपका जमीन मिल जाएगी का पेमेंट मिल जाएगा। मेरी जमीन में रास्ता है, कोई ना तो पेमेंट मिला, अभी तक भी कोई पेमेंट नहीं मिला मेरे को। कौन सा गाँव है आप? अछलौंडा गाँव है जी। कहाँ से कहाँ तक जमीन कितनी ली है इन्होंने? हमारी लिया जी इन्होंने 5120 मीटर। उसका कोई पैसा नहीं मिला? नहीं, उसका पैसा मिल चुका, और बाकी जमीन का जो इन्होंने रास्ते में ली है उसका कोई हमें। रास्ते में कितने लिए? रास्ते में करीब 800 मीटर का हमें जमीन। कौन सा एक्सप्रेस वे है, क्या नाम है इसका? है जी, इसका हमें तो जी इतना पता है, एक्सप्रेस बोलते हैं इसे। नमस्कार साथियों, मैं पवन गुर्जर, दक्षिण विधानसभा मेरठ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को लेकर हम लोगों ने किसानों के हित में सालों लड़ाई लड़ी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की तरफ से, सरकार की तरफ से झूठा आश्वासन मिला है। ना तो आज तक एक समान मुआवजे की मांग को पूरा किया गया है और ना ही सर्विस रोड बनाई गई है। और अगर कहीं थोड़ी बहुत सर्विस रोड बनाई है तो वो किसान की जमीन में बनाई गई है और वो अभी तक भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। दूसरी तरफ इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में पूरी तरह से भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार के दोषी आदमियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उद्घाटन से पहले इस एक्सप्रेसवे का हाल ऐसा है, गड्ढे ही गड्ढे हैं और साइडों की मिट्टी कट के किसानों के खेतों में जा रही है। किसानों का बुरा हाल है, फसल बर्बाद हो रही है और साइड की मिट्टी कर कट के पुल के नीचे बड़ा हादसा होने का भी कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। तो मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस एक्सप्रेसवे का जांच कराई जाए और जो इसमें भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरठ के सपा नेता पवन गुर्जर ने कहा, अगर जल्द लिसाड़ी अंडरपास के जलभराव की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो क्षेत्रवासियों की समस्या को देखते हुए जल्द इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कई बार प्रयासों के बाद भी जलभराव की समस्या को समाप्त नहीं किया गया है।